मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले में एक तरफा रोहित के टीम का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि लखनऊ की टीम को घुटनों पर झुका दिया और एक अलग ही कीर्तिमान के साथ जीत हासिल करके दूसरे क्वालिफायर में अपनी जगह बना ली। तो वही विराट कोहली भी मुंबई की जीत और लखनऊ की हार से इतने ज्यादा खुश नजर आए कि उन्होंने खुशी में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर और नवीन को इस बयान से काफी ज्यादा तिलमिलाहट हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या कहा विराट कोहली ने। चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया आईपीएल का एलिमिनेटर मुकाबला, जिसमें टॉस जीता था मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि रोहित शर्मा 10 गेंदों में 11 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए और उसके बाद ईशान किशन भी सिर्फ 15 रन के स्कोर पर पूर्ण को अपना कैच दे बैठे। मुंबई इंडियंस के 2 विकेट सिर्फ 38 के स्कोर पर ही गिर चुके थे और यहां से मोर्चे को संभाला सूर्यकुमार यादव और कैमरन ग्रीन ने। दोनों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से स्कोर को आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही टीम ने 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया। मुंबई इंडियंस की पकड़ी इस मुकाबले में मजबूत हो चुकी थी क्योंकि 11 ओवर का खेल जारी था और उसके बाद बड़ा झटका सूर्यकुमार यादव के रूप में लगा। सूर्यकुमार यादव 20 गेंदों में 33 रन बनाकर नवीन की गेंद पर कैच आउट हो गई और उसी ओवर में कैमरन ग्रीन भी 41 पर नवीन की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिसके बाद मुंबई इंडियंस की यह पारी डगमगा गई। टीम का स्कोर 105 रन हो पाया था कि 4 विकेट गिर चुके थे। यहां से जिम्मेदारी तिलक वर्मा और टिम डेविड के कंधों पर आ गई। दोनों के बीच एक छोटी सी साझेदारी भी हुई। 148 रन टीम का स्कोर था। डेविड 13 के स्कोर पर कैच आउट हो गए और यहां से निहाल वढ़ेरा ने अच्छी बल्लेबाजी करी, हालांकि एक छोर से विकेट गिर रहे थे जिसके चलते टीम 182 रनों तक पहुंच गई। निहाल वढ़ेरा ने अंत में 12 गेंदों में 23 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत खराब रही। मांकड़ 3 के स्कोर पर पहले विकेट के रूप में आउट हो गया और उसके बाद काइल मायर्स भी 18 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। सिर्फ 23 रन के स्कोर पर 2 विकेट हो चुके थे और यहां से लखनऊ की पारी लड़खड़ा गई। मुंबई इंडियंस का परचम यहां पर लहरा रहा था। बता देंगी मार्कस टोनिस और कुणाल पांड्या के बीच साझेदारी हुई। साझेदारी ने कुछ हद तक टीम की उम्मीदों को फिर जिंदा कर दिया क्योंकि 8 ओवर के खेल के बाद 68 रन टीम का स्कोर हो चुका था। मार्कस टोनिस बड़े शॉट खेल रहे थे लेकिन कुणाल तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए सिर्फ 8 रन बनाकर। यहां से मुंबई इंडियंस की टीम फिर एक बार अपनी पकड़ बनाने में कामयाब होती दिख रही थी। 10 ओवर के बाद लगभग 75 घंटे और अंतिम 10 ओवर में जीत के लिए लगभग 105 से भी ज्यादा रन चाहिए थे, लेकिन उसके बाद मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। पहले आयुष बदोनी 1 रन के स्कोर पर बोल्ड हो गए और अगली ही गेंद पर निकोलस पूरन ईशान किशन को अपना कैच थमा बैठे। 5 विकेट गिर चुके थे, 74 के स्कोर पर ही गिर चुके थे। उसके बाद सबसे बड़ा विकेट निकोलस पूरन के रूप में गिरा। उसके बाद मुकाबला पूरी तरह से पलट गया जब मार्कस टोनिस 40 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। टीम का स्कोर 89 रन ही हो पाया था और अब यहां से कमर पूरी तरह से टूट गई थी। उसके बाद 92 रन टीम का स्कोर हो पाया कि कृष्णप्पा गौतम भी रन आउट हो गए। 92 के स्कोर पर 7 विकेट हो गए थे और उसके बाद मुंबई इंडियंस ने आगे शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ी ही आसानी से इस मुकाबले को जीतकर दूसरे क्वालिफायर में अपनी जगह बना ली। विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस की जीत के बाद अपने बयान में मुंबई की काफी ज्यादा तारीफ करी है। उन्होंने कहा, वाकई में आज रोहित की कप्तानी हो या फिर मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी ही क्यों ना हो, सब कुछ अव्वल दर्जे करा। इतना शानदार प्रदर्शन मुंबई इंडियंस की टीम ने किया कि लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बराबरी करने की भी नौबत नहीं आने दी। ऐसा खेल देखकर खुशी होती है कि युवा खिलाड़ी भी शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन आरसीबी के बाहर होने के बाद जब यह 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंची थी तो हम भी आज मुंबई इंडियंस की टीम को ही सपोर्ट कर रहे थे और मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले को जीतकर वाकई में मेरा भी दिल जीत लिया। रोहित मेरा दोस्त है।
और आज उसने लखनऊ की टीम को हराकर दोस्ती निभा दी। लखनऊ की टीम और उनके खिलाड़ियों में जिस तरह का घमंड था वह पूरा चकनाचूर हो गया होगा। अब टूर्नामेंट से बाहर होकर एक समय में उन्होंने हमारी टीम का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वक्त ने उन्हें आईना दिखा दिया है। लेकिन मुंबई इंडियंस की जीत के साथ हम काफी ज्यादा खुश हैं। मुंबई इंडियंस की टीम को हमारी शुभकामनाएं। विराट कोहली के इस बयान से गौतम गंभीर और नवीन उलहक को काफी ज्यादा मिर्ची जरूर लगी होंगी, लेकिन आप सभी गौतम गंभीर और नवीन के लिए हार पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।